हाय फ्रेंड्स, आज एक कस्टमर ने लगभग 25 साल पुराना एल्गिन का एम्पलीफायर लाए हैं। एल्गिन ईसीए 60, ये देखिए कैसेट प्लेयर है। आज से 20-25 साल पहले ये चलता था, ये आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि ये लगभग 95-96 का ख़रीदा हुआ है, 1995 का है। इसमें 3 माइक है और ये आप देख सकते हैं पीए कैसेट प्लेयर लिखा हुआ है। ये माइक 1 का वॉल्यूम और उसके नीचे नॉब, ये माइक 2 और ये माइक 3, ऑक्स या टेप तीनों एक ही में है। इस सिलेक्टर स्विच द्वारा कनेक्ट किया गया है। यहाँ से माइक 3, ऑक्स या टेप तीनों का सॉकेट यहाँ दिया हुआ है। और अच्छी बात है कि इसमें बेस और ट्रेबल अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं ये मास्टर भी इसी में है, जिसको ये देखिए एलईडी म्यूजिक एलईडी है। ये पावर बटन है, ऑफ है ऑन, ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतना पुराना होने के बावजूद भी इसका पेंट नहीं छूटा है। तो दोस्तों, ज्ञान एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजू रंजन कुमार। आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए इंटरनल पार्ट्स देखते हैं। ये देखिए कैसेट बॉक्स, इसमें ये कैसेट मशीन भी इसे बोल सकते हैं। ये दोनों पुलियाँ हैं और कैसेट का तो अब जमाना रहे नहीं। मैं इसे यहाँ से हटा कर यहाँ MP3 जो USB होता है ब्लूटूथ वाला, उसको लगाऊंगा और बजा कर भी दिखाऊंगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, पहले इसे फिटिंग कर लूँ। ये बहुत पुराना है दोस्तों, इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है, मैं इसे बना सकता हूँ। ये सारे रेजिस्टेंस सड़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर भी, सभी पिंस पर लगे हुए डस्ट को हमने किरोसिन से धोया है और साफ़ किया है, नहीं तो ये बहुत ही गंदा था और मिट्टी चढ़ी हुई थी। ये आप ड्राइवर बोर्ड देख रहे हैं, ये ड्राइवर बोर्ड अभी तो डेड है, अभी चल नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। इसका प्रीसेट जंग लग चुका है और बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसे हम न्यू बदलेंगे। यहाँ लगभग इसका नंबर 2 के दिख रहा है प्रीसेट का। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, छोटी सी है, और इसके आगे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं और ये 4-6 एम्पियर के डायोड लगे हुए हैं। ये देखिए AC 220 से 12 वोल्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर। 60 वाट के लिए ये अच्छी एम्पलीफायर है दोस्तों, एल्गिन एक अच्छी एम्पलीफायर है, कम प्राइस में अच्छा सामान देती है, भरोसा कर सकते हैं एल्गिन कंपनी पर। और ये पुराना है तो ख़राब होगा ही, चूहे ने इसके वायर को कुतर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है और इस मार्केट में बहुत सारे मैकेनिक के पास ये सज्जन व्यक्ति गए हुए थे, पर किसी ने बनाने का नाम नहीं लिया। लास्ट में अंततः उन्होंने मुझे ढूंढते हुए मेरे दुकान पर आए और बोले कि इसे किसी भी तरीके से बना दीजिए, तो मैं इसे बनाऊंगा। 30-55 लगा है, यहाँ DC फ्यूज है, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम की स्ट्रिप। ये आउटपुट है, सिग्नल आउट होता है यहाँ से, प्री आउट भी बोलते हैं यहाँ से, और मैं आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। पहले ये दिखा दूँ कि कितना पुराना और ख़राब हो गया है ये। ये देखिए इस खजाने को मैं निकालूँगा और यहाँ हम USB लगाएंगे। ये पहले अच्छा काम करता था, जो अंदर में किट दिख रहा है प्री एम्प, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसे हम निकालेंगे और प्रीएम्प से हम माइक यूज कर सकते हैं, पर इसमें माइक का ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये देखिए ड्राइवर बोर्ड, पहले इसके सारे कंपोनेंट्स में बदल लेता हूँ, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर सभी चेंज करने पड़ेंगे, सिर्फ प्रिंट और PCB ही रह पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बन पाएगा, आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ आपका क्या राय है, मैं इसे बना कर दिखाऊँगा, आई प्रोमिस। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।